अब आप सोचिए कि किसी का जन्मदिन हो, आपके दोस्त यार इष्ट मित्र का जन्मदिन हो और आप केक काटें और केक से क्रीम ना निकले, कॉकरोच निकल जाए, तो आपके साथ क्या बीतेगा? आपका जन्मदिन था, केक कटा, कॉकरोच निकला, कैसा लगा? लगा तो हम लोग केक खाते हैं तो बोलते कतरी वतरी है, तो आप कतरी सोचे पकड़ तो नहीं लिया? ब्लैक कलर से दिख रहा था अलग से, पूरा कीड़ा था कॉकरोच। इस प्रकार से लोग आरोप लगा रहे हैं कि केक में कॉकरोच लगा है, तो आप क्या बोलेंगे? आपने पाइनएप्पल केक खाया होगा, चॉकलेट केक खाया होगा और तमाम तरह के जो फ्लेवर आते हैं, बटर स्कॉच या फिर बहुत सारी और फ्लेवर है, सारा केक आपने खाया होगा, मगर आपने कॉकरोच केक नहीं खाया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कॉकरोच केक ये क्या होता है, ये कौन सा फ्लेवर है? जाहिर है क्योंकि फ्लेवर नहीं है, मगर ये फ्लेवर ना होने के बावजूद मेरे साथ कुछ लड़के हैं जो कॉकरोच फ्लेवर का जायका ले चुके हैं केक का। तो क्या हुआ था, विस्तार से बताइए भैया। हम लोग गए थे केक लेने, भैया मानक केक है यहाँ पे, फिर क्या हुआ, हम लोग गए केक लिए, 200 रुपये था, फिर गए काटे, सब लोग खिलाए बारी बारी, जब मैं खिलाया उसके बाद क्या हुआ, डीलर का देखा कॉकरोच था, कॉकरोच किसका बर्थडे था, बर्थडे भैया का, अच्छा बर्थडे था, फिर हम लोग गए खिलाने वाले थे ना, एक कॉकरोच कूदा केक में भी था वो, फिर हम लोग क्या बोले कि चलो देख के आएंगे करके, शिकायत करके, तो हम लोग यहाँ आए जैसे, उसके बाद क्या हुआ, अंकल को हम लोग बोले अंकल यहाँ पे केक में तो कॉकरोच है, आप कैसे केक देते हो, कुछ हो जाएगा तो किसकी जवाबदारी होगी, आज को उनके साथ हुआ किसी और के साथ हो गया तो वो हम लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग पैसा ले लो, हर चीज़ ले लो, केक रिटर्न करना तो केक रिटर्न कर दो, हर चीज़ कर दो, और वो बोल रहे थे कि यहाँ पे तमाशा मत करो, यहाँ से चले जाओ, तो हम दोनों चिल्ला रहे थे और हम लोग उत्साह रहे थे कि ना मारो ये तो मार लो करके, मारने के लिए हम लोग उत्साह रहे थे, उत्साह रहे थे। तो अब आप सोचिए कि किसी का जन्मदिन हो, आपके दोस्त यार इष्ट मित्र का जन्मदिन हो और आप केक काटें और केक से क्रीम ना निकले, कॉकरोच निकल जाए, तो आपके साथ क्या बीतेगा? आपका जन्मदिन था, केक कटा, कॉकरोच निकला, कैसा लगा? बहुत बेकार लगा, और उसके बाद घर जाके थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था, तो मैं उल्टी किया, उसके बाद नहाया वहाया तो थोड़ा ठीक लगा, पानी वानी पिया। तो मैं आप लोगों का वीडियो देख रहा था, वीडियो में आप लोग केक खा लिए हैं और उसके बाद हाँ अंत में जब आपको मालूम पड़ा कि कॉकरोच है, जब ये लड़का है ना गाय को खिलाने के लिए निकाला, उसके बाद निकला उसमें कॉकरोच दिखा अलग से, मिलाकर आप लोग केक खा लिए थे, चौथा जब इसको खिलाने के लिए किया ना, तो ये जो भाई था ना, ये बोला कुछ दिख रहा है करके, तो इन लोग जब देखे पास में, तो उसमें ना एक कॉकरोच दिखा, वो दिखा, तो इसको लेके ये बच्चे लोग है ना अमानत लेकर इस बात पास आए, ये नाबालिग बच्चे है सब लोग, ये आए यहाँ पास, उनको बोले, तो उसका कहना था कि मेरे यहाँ ऐसा हो नहीं सकता है, तो इन लोग बोले कि सर केक आपका कंप्लीट है, यदि कोई कॉकरोच घुसाएगा भी तो उसमें छेद दिखेगा, सोचने वाली बात, कॉकरोच घुसाएगा क्यों घुसाएगा, उसके बाद 250 रुपए इम्पोर्टेंट नहीं है, इस कंपनी का जो मालिक है अमानत, वो बच्चों को आरोप ये लगा रहा था कि आप सीखे पढ़े हो, सीख पढ़ के आए हो, आप मुझे बताइए ये नाबालिग बच्चे पढ़ने लिखने वाले किसके कहने पे चलेंगे, पहला बात ये लगता है, दूसरा आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमसे गलती हुई है, आप पैसा ले लो, जो वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि पैसा ले लो, कि इन्होंने बात भी की है, तो जब आपने पैसा ले लो की बात कर ली, अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, तो आप अपने वर्कर को ना डांट के इन बच्चों का आरोप ये लगा रहे हो, हुस्का रहे हो नाबालिग बच्चों को कि मेरे को मारो करके, तो इसका थॉट क्या निकलता है, क्या बच्चों को हुस्का के मरवाना चाहते हो? और उसके बाद किसने देखा कि कॉकरोच निकला हुआ है, किसने देखा था? मैंने देखा। क्या हुआ था बताओ? ये जब भैया उसको खिला रहे थे ना, भैया को तो ऐसे खिलाते टाइम ना मैं देखा कि कॉकरोच था, आपको लगा तो हम लोग केक खाते हैं तो बोलते कतरी वतरी है, तो आप कतरी सोचे पकड़ तो नहीं लिया? ब्लैक कलर से दिख रहा था अलग से, पूरा कीड़ा था कॉकरोच, कॉकरोच निकला हुआ है, तब कैसा लगा आपको मन में? ज्यादा गुस्सा हुआ, इनके बर्थडे था, इनके कपड़े निकला, ये सर इसकी इसको अजीब सा मतलब एक महसूस होता है ना गलत चीज खाने के बाद, अजीब लग रहा है, तो ये घर चले गया, फिर ये हमारे कॉलोनी के लड़के है, मैं समिति का अध्यक्ष हूँ, इन लोग का मेरे पास कॉल आया कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है करके, तो मैं इनसे पूछा क्या हुआ करके, तो इन लोग ने बताया ऐसी ऐसी बात है, उसने ऐसा ऐसा बोला, इन लोग ने मुझे फुटेज दिखाया, उस फुटेज को लेके हम लोग टिकरापारा थाना गए,
वहाँ हमने संपर्क किया अधिकारियों से, तो TI सर ने हम लोग को आश्वस्त किया है इस पे उचित कार्रवाई होगी। तो हमारा बस एक ही थॉट है कि इस तरीके का आप गार्जियन की उम्र के नाबालिग बच्चों को हुस्का रहे हो कि मारो मुझे, और उसके बाद एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि हमसे गलती भी हुई है, और पैसे का लालच प्रलोभन दे रहे हो, आपके यहाँ कैमरा लगा है, आपके यहाँ भी कैमरा का सवाल ही नहीं होता। तो कुल मिलाकर देखिए कि एक बच्चे हैं जो कि जन्मदिन हर कोई सोचता है कि यार दोस्त का बर्थडे, चलो केक ले आते हैं, केक भी काट लेते हैं। अगर आप केक काटें और केक खा लें, अंत में केक में आपको मालूम पड़ता है कि एक कॉकरोच है, तो सोचिए आपके मन में क्या बीतेगी। उसके बाद जब ये जो दुकान के ओनर उनके पास पहुँचते हैं तो ओनर इनसे झड़प करते हैं, उस बार मान लेते हैं कि हाँ कॉकरोच निकला हुआ था। हालांकि हम पत्रकार हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम दोनों पक्षों को सुने और जो हम सुने वो आपको भी सुनाए। तो बाजू में ही बेकरी है, बेकरी वाले से हम बात करेंगे, अगर वो बात करना चाहें तो, अपना पक्ष रखना चाहें तो। उस बेकरी के ओनर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनका पक्ष क्या है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से लोग आरोप लगा रहे हैं कि केक में कॉकरोच लगा है, तो आप क्या बोलेंगे? इस तरह से नहीं होता है, हम लोग अभी 10 साल से काम कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये लोग का सब मिली भगत है। क्यों मिली भगत क्यों रहेगा इनका? पता नहीं सर, इसके बारे में कौन है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन हम लोग का ज्यादा चलता है ना, अभी काफी जलन करी है, तो सब जल हो सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे क्यों जलेंगे आपसे? ये लोग पता नहीं किसके हाथ है इसका पीछे, हमको भी पता नहीं है। इस बार पहली बार हो रहा है, ये लोग बोले कि 2 बार हुआ है, तो पहली बार ही आया है शिकायत, तो हम तो एक्सेस करने के लिए तैयार थे। अगर आप बोल रहे हैं केक के बदले केक लो, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ कहीं ना कहीं कॉकरोच आया होगा। तो ये लोग भी क्या है, हम लोग का तो ऐसा होता नहीं है, साफ इतने साल से काम कर रहे हैं, ये पहली बार। ये फोटो भी दिखा रहे हैं, फोटो में साफ दिख रहा है कॉकरोच है उसमें। फोटो तो उस टाइप का दिखाया नहीं गया है, उधर दिखाया है, पता नहीं है किस टाइप का दिखाया गया है। आपने फोटो नहीं दिखाया? नहीं, फोटो दिखाइए इनको, मोबाइल फोटो, फोटो में साफ दिख रहा है कॉकरोच है उसमें। ये जो सेट है वो देखे वीडियो फोटो दोनों TI सर के सामने और एक्सेप्ट किए हैं, ये गलती हमारे से हुई है, हम उसके लिए बोल रहे हैं सर, और हम ये भी बोल रहे हैं जो भी पैसा हम रिटर्न कर देंगे। बात पैसा का नहीं है भाई, बात ये नाबालिग लोग को यदि कुछ हो जाएगा उसकी जिम्मेदारी आप लेते हो, उसको इम्पोर्टेंट है, उसके जगह आप बच्चों को धमकी दे रहे हो कि मेरे को मारो, मेरे साथ ऐसा करो, तो बच्चे क्यों मारेंगे भाई? गार्जियन उम्र क्या लग रहा है? नहीं था कॉकरोच लगा आपको? हां कॉकरोच नहीं था उसमें? उसमें तो नहीं था, हम लोग तो उस समय रहता तो देख के तो पता चल जाता है कि मिलाया गया है, इसके क्या इफेक्ट किया है, हमको तो पता नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए ये जो बेकरी है उसके ओनर है, उनका साफ कहना है कि मुझे तो पता नहीं है। और एक सवाल भी खड़ा होता है कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो क्यों केक में कॉकरोच मिलाएंगे? हालांकि हमने जो थानेदार है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि फूड डिपार्टमेंट है, उसको हमने ये मामला सौंप दिया, जो भी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर इस पर कार्रवाई किया जाएगा।